press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. श्रीदेवी का शनिवार को निधन होने के बाद उनका शव मुंबई लाने में 3 दिन बीत गए। आखिरकार दुबई पुलिस ने इसकी अनुमति देते हुए कपूर परिवार को इस आशय का पत्र सौंप दिया है। उनकी रहस्यमय मौत के बाद कानूनी कार्यवाही करने में अधिक समय लगा और इसके कारण ही उनका पार्थिव शरीर समय पर भारत नहीं पहुंच पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण दुर्घटनावश डूबना बताया गया। इस बीच उनकी मौत की जांच उलझती जा रही है। यही कारण है कि अभिनेत्री श्रीदेवी की पार्थिव देह भारत लाने में लगातार देरी हुई। इसके बाद दुबई पुलिस ने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए इजाजत दे दी। दुबई पुलिस ने इस संबंध में भारतीय दूतावास और बोनी कपूर को पत्र सौंप दिया है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दुर्घटनावश डूबने से बताए जाने के बाद अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दुबई पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस की हर एंगल से जांच कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और बेटी खुशी कपूर समेत उन रिलेटिव से भी पूछताछ की जो इस टूर पर श्रीदेवी के साथ यहाँ आए हुए थे। होटल एमिरेट्स का रूम नंबर 2201 पुलिस ने सील कर दिया है। इस रूम में यह हादसा हुआ था। श्रीदेवी की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। वहीं श्रीदेवी की मौत के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सनसनीखेज दावा किया है। स्वामी ने दावा किया है कि श्रीदेवी की मौत सामान्य नहीं है। स्वामी ने बाथटब में डूबने से हुई मौत की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाथटब में गिरकर मौत होने की बात अजीब लगती है, जब तक कि कोई धक्का ना दे। बीजेपी नेता स्वामी ने श्रीदेवी की हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि बाथटब में डूबकर मरना संभव नहीं लगता। भाजपा नेता ने कहा कि यह तथ्य है कि श्रीदेवी हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेती थी और ऐसे में उनके शरीर में अल्कोहल का पहुंचना सवाल खड़े करता है। वहीं अमर सिंह ने भी फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं।